तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ए पार्टिकल है मास एम का, चलो कोई बात नहीं भाई, सस्पेंडेड फ्रॉम द सेलिंग थ्रू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। ठीक है, अब एल लेंथ की एक स्ट्रिंग है, उसे एम मास का पार्टिकल अचेट है। पार्टिकल मूविंग हॉरिजेंटल सर्कल ऑफ रेडियस आर, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड टेंशन इन सच दैट ए कॉनिकल पेंडुलम। इस सिस्टम को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों कॉनिकल पेंडुलम। ठीक है, मास दिया है, एम दिया है, एल दिया है, तो इन तीनों वेरिएबल के टर्म में ये कैपिटल एल है और ये रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है स्मॉल आर, और इस पार्टिकल का मास एम है। तो ये वेरिएबल्स गिवेन है और हमें सारा डेटा इन्हीं वेरिएबल्स के टर्म में कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं स्पीड निकालना चाहूँ तो देखो, इस पॉइंट पर अगर तुम देखोगे, इस पॉइंट पर देखोगे तो ये वाली लाइन जो है वो वर्टिकल वाली लाइन है, तो ये यहाँ से मैं इसको बना देता हूँ। तो अगर ये एंगल कुछ मान लेता हूँ मैं पहले से थीटा, तो ये भी तो थीटा होगा प्यारे बच्चों। तो अगर थीटा होगा तो इस पॉइंट पे जो टेंशन है वो ऐसे जाएगा, इस लाइन में स्ट्रिंग के लॉन्ग जाएगा, टेंशन अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अवे होता है, तो टेंशन का एक कॉम्पोनेंट ऊपर आएगा जिसका मैं नाम रखता हूँ टी कॉस थीटा, और टेंशन का एक कॉम्पोनेंट सेंटर की तरफ जाएगा जो सेंटीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा टी साइन थीटा, और जो वेट एम जी है दैट इस लाइन में इधर आएगी दैट इज एम जी। तो अब ये सारे फोर्स इस बॉब पे लग गए, तो इन फोर्स को बैलेंस कर दिया जाए भाई। वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो तो सेंटीपेटल फोर्स है, तो सेंटीपेटल फोर्स कौन देगा, तो सेंटीपेटल फोर्स देगा टी साइन थीटा, और इसकी वैल्यू यहाँ पर होगी एम बी स्क्वायर रेडियस ऑफ द पाथ। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और वर्टिकल में सर्कल फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, तो टी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू वेट एम जी, दिस इज द इक्वेशन नंबर टू। बस इसी से हमें स्पीड निकालना है और इसी से हमें टेंशन की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ध्यान रखना कि थीटा दिया नहीं था। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर मैं स्पीड निकालना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो स्पीड निकालना चाहता हूं तो मैं डिवाइड कर देता हूं तो स्पीड आ जाएगा। तो डिवाइडिंग डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, तो फर्स्ट को सेकंड से अगर डिवाइड कर देते हो तो जो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, वो आ जाएगी बी स्क्वायर अपॉन आर जी जी आर, ये आ जाएगी बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से टेन थीटा इजिकल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, तो डिवाइड कर दिए तो यहाँ से ये जी नीचे आ जाएगा। एक बार मैं फिर से बना देता हूँ और अच्छे से, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि क्या करते हैं सर। तो ये बी स्क्वायर, ये आर जी, तो यहाँ से जो स्पीड की वैल्यू आ जाएगी आर जी टेन थीटा। तो अगर मैं थीटा को एल और एम के टर्म में निकाल के रखूँ तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा एल और आर के टर्म में। तो यहाँ से ये वाली जो लाइन है ये कैपिटल एल है, यहाँ एक ट्रायंगल बना है देखना, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली जो रेडियस है और ये थीटा है तो एल है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकाला जा सकता है, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, टेन थीटा स्मॉल आर अपन कैपिटल आर माइनस आर, ये अंडर रूट, दिस इज द टेन थीटा द परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सामने वाले साइड और बेस से डिवाइड कर दें। तो यहाँ से अगर टेन थीटा की वैल्यू रखोगे तो आर जी, और टेन थीटा की वैल्यू रखोगे तो स्मॉल आर, और ये एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट, और ये सब पे अंडर रूट चढ़ा हुआ था। तो फाइनली जो है स्पीड जो दिखेगी वो दिखेगी आर और जी अंडर रूट और डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर माइनस स्मॉल स्क्वायर की पावर 1/4। आई होप कि ये बेसिक मैथमेटिक्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज द स्पीड, ये वो कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है ना, ये वो कांस्टेंट स्पीड है जिससे कॉनिकल पेंडुलम या ये जो अरेंजमेंट है वो मूव कर रहा है। सेकेंड हमारा टारगेट है क्या निकालना, बोलो, टेंशन। तो सेकेंड इक्वेशन टेंशन, यहाँ से टेंशन निकल जाएगा टी, टेंशन की वैल्यू एम जी अपन कॉस थीटा है, तो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन का मैं यूज कर देता हूँ, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन, तो टेंशन टी एम जी, टेंशन टी कॉस थीटा किसके बराबर है भैया, एम जी के, तो यहाँ से टेंशन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एम जी अपन कॉस थीटा, बस सिंपल सी बात है।
कॉस थीटा निकाल के रखो इस वाले ट्रायंगल से, ये जो अपना राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बनाए थे हम लोग, तो कॉस थीटा यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल जो हम लोग बनाए थे ए बी सी, तो वट इवर जो भी है, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू देखोगे तो बी मतलब दिस साइड बी अपॉन एच, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच मतलब एल स्क्वायर माइनस स्मॉल एल स्क्वायर अंडर रूट और डिवाइडेड बाई एल, ये तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। तो टेंशन की वैल्यू जब रखोगे तो एम जी और पुट कर दो इसकी वैल्यू, तो ये एल ऊपर चला जाएगा और ये एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कि ये पावर 1/2 हो जाएगा। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो ये रहा टेंशन और ये रहा स्पीड। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आएगा आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो बच्चों, हमारे चैनल के साथ बने रहो और हमें सपोर्ट करो।